because that's what the school people do, right? Okay. On a lighter note, I would begin from where Amol left about the sounds. Why do we ring the bell in the prayer, in a place of worship, be it church or temples? Why do we ring the bells? And every temple is sort of this way. So whatever we speak and we chant and our wishes, our desires, whatever we say to the Lord, they all go up. You know, the sound never gets lost. We all know what it in the science. So when you ring the bell, all the shlokas and the good thoughts and the positive thoughts, they come down and they affect you. And you feel so positive. That's why you feel so positive in temples. That is the reason. So this is the power of sound. And when I talk about art, there is art everywhere in our country, in almost all the countries. Yes, art is, I mean, our life is art, right? In fact, in our country, even, you know, when we serve poha, we put a nimbu and dhaniya, it's art, right? Everything that even the singer. म्यूजिक अगर जिंदगी का इतना पहलू है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो भी हम माँ जो है वो लोरी सुनाती है, तो इसको अपने एजुकेशन सिस्टम में डालना बहुत ज़रूरी है. तो द न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके आधार पे आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स, दे शुड बी इंटीग्रेटेड विद द सब्जेक्ट्स जो साइंस मैथ सब हैं. उसके साथ इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी कंपार्टमेंटलाइज तो नहीं होता. तो सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए ये एक चीज़ बनी गई है. और हमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक भी आना चाहिए, क्योंकि द बेस ऑफ ऑल द म्यूज़िक्स, स्वर धारा उधर ही आती है. क्योंकि अगर हम चाहें तो मतलब एक आइडियल म्यूज़िक वॉइस ट्रेनिंग अगर लेना है तो ये ऐप से आ सकती है. अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती है. एक म्यूज़िक ऐप से पूरा फैमिली सीख सकती है. सो स्वर धारा एक ऐसी चीज़ है जो हमें बेस से म्यूज़िक सिखाती है. और इसके बारे में और भी ज़्यादा बोलना है या समझना है तो हमारे अमोल जी इधर हैं, जो आपको स्वर धारा के बारे में बता सकते हैं. सबसे पहले यही जानना चाहेंगे और इससे जीवन में लोगों को क्या-क्या लाभ होगा. देखिए, संगीत इस विषय को, म्यूजिक को, हमारे समाज में केवल एक आर्ट के रूप में देखा जाता है, कला के रूप में. तो ये कला जरूर है, लेकिन कला के साथ ये बहुत बड़ा शास्त्र है. तो संगीत का शास्त्र क्या है? संगीत का शास्त्र आवाज़, यानी साउंड, ध्वनि, ध्वनि का शास्त्र. और ध्वनि क्या होगा? ध्वनि की लहरें होती है, कंपन. इन ध्वनि की लहरों से, कंपनों से अपने मस्तिष्क में एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है. तो कला एक अलग हो गई, लेकिन इन कंपनों से जो अपने मस्तिष्क में पॉजिटिविटी जनरेट होती है, ये हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है. तो स्वरधारा संगीत को इस
बेसिक लेवल पे लेके आई है, जहाँ पे हर एक व्यक्ति को अपने माइंड या मस्तिष्क के बेहतर क्या कहते हैं हिसाब से बेटर फंक्शनिंग के लिए संगीत का उपयोग कर सके। तो वो स्वरधारा की नींव है और हर एक व्यक्ति ने उसे सीखना जरूरी है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि नेचर ने हमें सेल्फ सफिशिएंट किया है। अगर हमको ध्वनि कंपन लहरें चाहिए तो वो यहीं से बनती है, उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो लहरें तैयार करिए यहीं से, उसे सुनिए और उसका आनंद लीजिए, ये सब स्वरधारा की वजह से। सर ये भी अगर थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, जैसे अगर गुरु माना जाए भगवान श्री कृष्ण ध्वनि के गुरु थे, बहुत जब बांसुरी बजाते थे सब उसमें खो जाते थे। और फिर और यहाँ पास में आओ तो तानसेन जी के बारे में मैंने सुना है, जब वो बजाते थे अपना तो लोग उसमें खो जाते थे। तो ये तो हर कोई जानता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये जो आपके दिमाग को संतुलित करने के लिए, मन को संतुलित करने के लिए बहुत अच्छी चीज़। आप कितना इससे इस्तेफाक करते सर? मैं बहुत इस्तेफाक करता हूँ इससे। मैं बल्कि ये कहूँगा कि साधारण इंसान के लिए, हम सभी सिंगर्स नहीं हो सकते, जैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, नीलम मैम सिंगर है, अमोल जी भी अभी सीख रहे हैं उनकी वाइफ के साथ, बट हमारे लिए संगीत का महत्व, जैसे आपने श्री कृष्ण की का एग्जांपल दिया, तो वो जब बांसुरी बजाते थे क्या होता था, लोग मुक्त हो जाते थे, बट वहीं पर नहीं ख़त्म होती है वो बात, वो आगे जाकर कृष्ण भगवान बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि वो आस्था निर्माण हुई लोगों में और फिर उनकी जो उन्होंने जो नियम तत्व जो सिखाए हैं वो लागू किए जिंदगी में, जिससे ज़िंदगी अच्छी होने लगी और हमें अच्छा महसूस होने लगा। सो दैट इज़ द लॉजिकल डेवलपमेंट, ये आपके विचार शक्ति बढ़ाती है, उस पर हमारा फोकस है। आज का जो विषय है वो वही है कि हम भले सोशल स्किल्स सीखें, हम मानवीय संबंध सीखें, इमोशन सीखें, भावनाएँ जाने, और उसको चैनलाइज कैसे करें। तो संगीत के माध्यम से जब मन शांत होता है, हमें हमेशा कहा जाता है कि मन को शांत रखो तभी आप सही सोच सकते हो, कि जो सही सोच है वही आपकी बौद्धिकता है और उसका ही विकास हम संगीत के माध्यम से करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहेंगे टचिंग हार्ट पैनल डिस्कसिंग SEL to SEIL, ये थोड़ा सा दशकों बताइए कि SEL to SEIL। जी अभी हम सब जानते हैं कि ये कोविड केस जो 2 साल गए हैं उसके बाद में हम लोग अब जब स्कूलों में वापस आए हैं, जब बच्चों से हम इंटरेक्शन करते हैं, तो सोशल इमोशनल लर्निंग, तो ये ना ये अनुभव प्रक्रिया के होते हुए जो के माध्यम से हम लोग जो सीख पाते हैं, इन सबको हम आज बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज स्वरधारा क्या कर रहे हैं कि सोशल इमोशनल इंटेलेक्चुअल लर्निंग, तो ये सिर्फ अनुभव, ये सिर्फ हमारे रोज़ के जीवन का नहीं है, लेकिन ये अपने दिमाग पे जो असर हो रहा है, ये बाकी के अच्छे सुरों का जो जो हिंदुस्तानी संगीत के माध्यम से मिल रहा है, वो सुरों को भी हम ये इमोशनल के अनुभव में बच्चों को हम लोग देना चाहते हैं। और आपने जो कहा कि ये अभी जो आपने सर से पूछा कि ये श्री कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो लोग खो जाते थे उसमें, तो ये खो जाना क्या है, ये फिजिकली कहीं पे जाए और लॉस्ट हो गए ऐसा नहीं खो जाना। तो अपने अंदर ये जो अपना अनुभव जो मिलता है कि जो आ हा हा ये क्या है, तो ये जो अंदर प्रक्रिया चल रही है वो उसे तैयार करने की हम हमारे ब्रेन को सिखाना पड़ता है कि ये ऐसा हो सकता है, ये अच्छा होना चाहिए। तो ये अनुभव हम म्यूज़िक के माध्यम से, स्वरधारा के माध्यम से आज बच्चों को देना चाहते हैं, जो कि अगली हमारी पीढ़ी है। मैम एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, कोविड का दौर आया, लोग की जॉब चली गई, बहुत कुछ ऐसे कुछ हुआ कि लोग मानसिक त्रास में रहे, नौकरियाँ चली गई, तो मानसिक टेंशन है, क्या संगीत एक माध्यम हो सकता है कि ये थेरेपी, संगीत थेरेपी बन सकती है ऐसा कुछ? सर आपको एक उसका उल्टा प्रश्न मैं पूछती हूँ, क्या आप जानते हैं कि कोविड के 2 साल में किसी भी संगीत या आर्टिस्ट ने कोई आत्महत्या की हो? नहीं। कि जो कोई तकलीफ से है, जो आर्टिस्ट भी जो गुजरे हैं, उन्होंने किसी ने भी ऐसा कदम ना उठाया कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी हो, लेकिन उन्हें उनको उन सबके पास एक मनोबल था, एक मन का धैर्य था कि इन सब से गुजर के हम आगे जा सके। हम लोग जब सुर लगाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आज कुछ सुर नहीं लग रहा, तो ऐसा नहीं कि हम लोग जाके कहीं पर ऐसे खो जाते हैं, अरे बाप रे मेरा को क्या हो गया, हम लोग ऐसे नहीं कहते कि ठीक है आज नहीं लगाया ना कल सब ठीक हो जाएगा, ऐसा है। तो ये इम्पोर्टेंस है। मैं आप चारों में से कोई भी इसके इसका जवाब दे सकता है,
कि ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि स्वधारा जो है म्यूजिक को बहुत प्रमोट कर रही है, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि स्वधारा जो है म्यूजिक फिर भी करेगी जो कोई मानसिक राहत मतलब दिमागी संतुलन अगर किसी को दिया या फिर वो अंदर से थोड़ा सा विचार वो है क्या कहते हैं उसको कंफ्यूज है तो ऐसे लोगों के लिए थेरेपी भी करेगी। मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे जी जी। पहली बात तो मानसिक असंतुलन होना ये आखिरी स्थिति है, ये स्टेज आने के पहले जो हमको डेवलप करना वो है कि मानसिक शक्ति और बौद्धिक बल जो लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं रैशनल थिंकिंग बोलते हैं कि सही सोचना पेशेंस, जैसे मैम ने कहा कि आर्टिस्ट मरे नहीं, उन्होंने आत्महत्या नहीं कर ली, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो धैर्य रखना सीखा, पेशेंस रखना सीखा। वही बल हम बच्चों में लाना चाहते हैं कि वो आगे की सोचकर अपने आप को तैयार करें, ना कि उस सिचुएशन में वहाँ पर ही दम तोड़ दे। ऐसा नहीं होना है हमको। ये जो मेंटल हेल्थ की बात हो रही है पूरे विश्व में, ये क्यों हो रही है? ये तो साइड इफेक्ट है, ये तो परिणाम है। हमको उसके पहले ही काम करना है और वही काम स्वरधारा कर रही है। एंड ये सिर्फ आपको इमोशनली स्ट्रांग ही बनाती है, बट उसको कैसे ढंग से चलाना है हमारे लाइफ में, हमारी जो पढ़ाई है उसको कैसे कंस्ट्रक्टिवली हमको आगे लेके जाना है, विकसित कैसे होना है, कैसे अलग सोचना है। जब अगर हम क्रिएटिविटी बोलते हैं, इनोवेशन बोलते हैं, ये कहाँ से आने वाला है? ये हमारे दिमाग से आने वाला है। तो इस दिमाग को हमको चालना देनी बहुत ज़रूरी है, और अगर पॉजिटिव चालना होगी तो ही वो सही सोचेगा, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, वो कंस्ट्रक्टिव होगा। यही हमारा उद्देश्य है, SEL to SEI है। या सो कंक्लूडिंग इनका, अगर हम स्कूल के ओर से सोचते हैं कि वी नीड बोथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट इज़ बुद्धि विकास एंड ऑल्सो इमोशनल डेवलपमेंट, अगर हम दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर दोनों का बैलेंस अगर करते हैं तो इट इज़ लाइक यू नो सिर्फ एकेडमिक्स अगर होता है, एकेडमिक्स से बुद्धि ब्रेन डेवलपमेंट होता है, और जो आर्ट्स होते हैं उससे हार्ट डेवलपमेंट होता है। सो दोनों का जो बैलेंस है और दोनों का मिलन है वो बहुत ज़रूरी है। इसी से आप अगर टेक्निकल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया तो एक सेव बटन है। इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं तो कंप्यूटर भी बोलता है ना सेव बटन दबाओ तो इन्फॉर्मेशन सेव होगी। तो आर्ट्स जो है वो सेव बटन है, हम पॉज करते हैं और वो उसमें ऐसे सेव हो जाता है इन्फॉर्मेशन। दोनों का बैलेंस एंड मिलन बहुत ज़रूरी है, जैसे शिव और शक्ति का, यिंग एंड यांग का, उससे से क्रिएटिविटी आती है। और अगर हम सोचें क्रिएटिविटी हम वी आर ऑल क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड, और जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, आपका प्रश्न मैं का जवाब देती हूँ, हम जो क्रिएट करते हैं या कृष्ण की भक्ति करते, किसी की भी भक्ति करते या म्यूजिक बोलते भजन गाते हैं, तो वी गो क्लोजर टू द क्रिएटर हिमसेल्फ। दैट इज़ द प्लेस ऑफ म्यूजिक इन आर लाइफ, दैट इज़ वेयर स्वरधारा कम्स इन। एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि स्वरधारा ने इतना अच्छा चला रखा है, अगर लोग से जुड़ना चाहें, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया, अगर ये यूट्यूब पे अवेलेबल है उससे जुड़ सकते हो, तो बताइए किस नाम से अवेलेबल होगा, लोग से जुड़ कनेक्ट कर सकें। गूगल प्ले स्टोर पे स्वरधारा ऐप सर्च करने से हमारा ऐप मिल जाएगा, जिसमें हमारा ये पूरा स्वरधारा की किस तरह से सीखते हैं इसकी प्रक्रिया और इसका पूरा कंटेंट अवेलेबल है, और यूट्यूब पे स्वरधारा चैनल है जिसके साथ भी लोग जुड़ सकते हैं। जी मैम, आपसे जानना चाहिए कि आज जो हो रहा है, आज इंडिया में उस बारे में बताइए कि क्या कुछ डिस्कशन होगा, थोड़ा सा। आज हमारे साथ मलिक मैम है जो हमारी आज की गेस्ट स्पीकर हैं। आज हमारे साथ गिरीश दलवी सर हैं जो बहुत जाने माने आर्टिस्ट हैं, ये सब एजुकेशनिस्ट हैं, और इन सब ने आज ठाना है कि आज लोगों को संगीत का शास्त्रीय महत्व लोगों को देंगे। तो आज जो पैनल डिस्कशन होगा आज वो इसी सब्जेक्ट को पकड़ के होगा।